नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा उपस्थित हूँ चंद्र भेदी प्राणायाम विषय लेकर। चंद्र भेदी, जैसा कि हम नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जा रहे हैं अब कि चंद्र मतलब बाई नासिका, तो बाई नासिका से श्वास को भरना है, भेद करके दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ देना है। चंद्र मतलब हमें बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, चंद्र मतलब शरीर का बायां वाला हिस्सा, तो चंद्र मतलब बाई नासिका से श्वास को भरना है, भेदना है और दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ देना है। तो चंद्र का मतलब बायां, भरना, भेदना और दूसरी से छोड़ना, इसलिए होगा चंद्र भेदी। चंद्र भेदी, इसमें हमें ध्यान रखना है बाई नासिका से श्वास को भर के भेद करके दाई नासिका से श्वास को छोड़ना है, और फिर बाई नासिका से श्वास को भरना है, भेद करके दाई नासिका से श्वास को छोड़ना है, और लगातार यही क्रम चलता रहेगा। लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आज भी कि यही तो अनुलोम विलोम होता है। नहीं, अनुलोम विलोम के भाग होते हैं। तो चंद्र भेदी का मतलब है चंद्र से भरना है, भेद करके दूसरी से छोड़ना है, और फिर चंद्र से ही भरना है, क्योंकि चंद्र भेदी में श्वास को भरना चंद्र से ही है, भेद करके दूसरी से छोड़ देना है, फिर चंद्र से भरना है, भेद करके दूसरी से छोड़ देना है, तब होगा चंद्र भेदी। प्राणायाम करने के लिए अवस्था, आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें, आपकी कमर, रीढ़, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में होना चाहिए। आपने नासिकाग्र मुद्रा अपनाई, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर, दो उंगलियां आपने भ्रूमध्य पर रखी, बाएं स्वर को आपने चंद्र स्वर को खोल के रखा है। अब आपको चंद्र से श्वास को भरना है, जब पूरी श्वास भर ली जाए तो चंद्र स्वर को बंद कर लेना है, श्वास को अंदर रोकना है, और फिर भेद करके सूर्य स्वर से, दाहिने स्वर से आपको श्वास को धीरे धीरे फेफड़ों से बाहर निकाल देना है। जब पूरी श्वास बाहर आ जाएगी तब फिर आपको फिर से चंद्र स्वर से श्वास को भरना है, भेदना है और दाहिने स्वर से फिर से श्वास को बाहर निकाल देना है, फिर चंद्र से भरना है, पूरा श्वास जब भर जाए फिर भेदना है, तभी तो चंद्र भेदी होगा। चंद्र से भरना है, भेदना है, चंद्र भेदी, भेद करके सूर्य से छोड़ देना है, पूरी श्वास जब छूट जाए तो फिर चंद्र से भरना है, भेदना है और सूर्य से छोड़ देना है, ये होगा चंद्र भेदन अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम हो जाएगा चंद्र भेदी अनुलोम विलोम। इसका फायदा क्या है, यहां आप देखें कि चंद्रमा से श्वास को भर रहे हैं, तो चंद्रमा की तासीर क्या है, शरीर में ठंडक पहुंचाने वाली, तो शरीर में हमने ठंडक को भरा, और भेद करके आप सूर्य स्वर से श्वास को छोड़ रहे हैं, तो सूर्य की तासीर कैसी होती है, गर्म, तो आप शरीर में जो गर्मी है उसको आप श्वास छोड़ते हुए बाहर निकाल रहे हैं, और वातावरण में जो हवा है चंद्रमा की नासिका से आप उस हवा को भर रहे हैं, तो वो ठंडक के रूप में आपके शरीर में जा रही है और शरीर की गर्मी सूर्य स्वर से बाहर आ रही है, तो ठंडक शरीर में जा रही है और शरीर की गर्मी भी बाहर निकालने का आप साथ के साथ काम कर रहे हैं, तो शरीर में जल्दी से ठंडक पहुंच जाएगी और शरीर जल्दी ठंडा होना चालू हो जाएगा। ये जो प्राणायाम है ये शरीर में जब एकदम से ठंडक की आवश्यकता हो तब इस प्राणायाम का अभ्यास करा करके आप शरीर को एकदम से जल्दी ठंडक पहुंचा सकते हैं। तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, जैसे किसी को बहुत तेज पसीना आ रहा हो, किसी को हीटिंग स्ट्रोक हो रहा हो, किसी को पेट में बहुत जलन हो रही हो, माथे में किसी के बहुत दर्द हो रहा हो, माथा गर्म हो गया हो, आंखों में से आग निकल रही हो, गर्मी निकल रही हो, ऐसी अवस्था में आप इस चंद्र भेदी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करा करके आप शरीर में एकदम से ठंडक पहुंचा सकते हैं, शरीर की बढ़ती हुई गर्मी को आप बाहर निकाल सकते हैं, बढ़ती हुई गर्मी से शरीर को बचाया जा सकता है। तो ये तो हो जाएगा चंद्र भेदी अनुलोम विलोम का फायदा। अब आप इस प्राणायाम को कब नहीं करेंगे, तो जब आपके शरीर में पहले से बहुत ठंडक का कोई रोग है, जैसे आपको दमा की समस्या है, आपको जुकाम हो रहा है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, बलगम है आपके फेफड़ों में, ऐसे समय में आप इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे।
तो ये है चंद्र भेदी अनुलोम विलोम। आशा है इन प्राणायामों का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने रोगों में अच्छा लाभ ले पाएंगे। अगर कहीं कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान जरूर किया जाएगा। नमस्कार।